आज बिग बॉस के घर में दोस्तों नॉमिनेशन टास्क जो है धपाधप तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जनता को भी एक बहुत अच्छा मौका दिया है कि आप लोग 3 जोड़ियों को घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन 3 जोड़ी होगी ये तो अभी तक फैसला नहीं आया है, जैसे आएगा राहुल भोज आपको सारी बातें बताएगा। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि घर के अंदर बैठी एक जोड़ी ने दूसरी जोड़ी को सीधा टारगेट कर दिया और बोल दिया इसको तो छोड़ेंगे नहीं। कौन है वो, क्या है, इस वीडियो में सारी बातें बताता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। अब बात करते हैं कि आखिरकार बिग बॉस के घर में क्या हो रही है हलचल। हलचल ऐसी जिसे बताना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हाँ जी दोस्तों, बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि बिग बॉस के घर में इस वक्त जो है एक ऐसा आलम है जहां पर बॉसमैन बॉस लेडी एक जोड़ी को सेव करने के पीछे पड़े हैं, वहीं घर वाले जो है उनको आपस में नॉमिनेट करने की सोच रहे हैं। ये और कोई नहीं है बल्कि है मूस और निशांत। बता दूं आपको दोस्तों, तो मूस और निशांत को सेव करते हैं घर के बॉसमैन बॉस लेडी यानी कि प्रतीक जीशान एंड दिव्या अग्रवाल। और वहीं अगर बात की जाए तो शमिता शेट्टी और राकेश जो है वो आते ही इनको जो है घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। कन्फेशन रूम में बुलाया जा रहा है और कन्फेशन रूम में सारी चीजें बोली जा रही हैं। और ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कन्फेशन रूम में ही वो मूस और निशांत के नाम का जो पर्चा है वो फाड़ते हुए राकेश नजर आएंगे और उसके बाद वो घर से बेघर होने के लिए उनको नॉमिनेट करेंगे। अब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं तो वो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होंगे। पता नहीं मुझे दिल से ऐसा क्यों लग रहा है कि राकेश और शमिता जो है इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होंगे। ओह बाय द वे, जीशान और दिव्या सेव है, राइट। सो आपका रिएक्शन मुझे जरूर बताएं, क्या कहना है। बने रहें चैनल के साथ और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल फीफा फूल्स। मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।